मुद्दे पर। दिनेश, एकदम से जिस तरीके से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बिहार में सीट शेयरिंग की सूची सामने आई, उसके बाद जरा भी वक्त पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने में नहीं दिया, लेकिन अब लगातार लंबा वक्त ले रहे हैं एनडीए से दूरी बनाने में, क्या कारण है? क्या मझदार में वाकई में फंसे नजर आ रहे हैं? देखिए अक्षय, जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि बिहार में दोनों पार्टियों को यानी कि पासवान परिवार को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है तो 6 सीटें उनके पास हैं, और इन 6 सीटों में बीजेपी ने ये कहा कि आप अपनी जो आंतरिक स्थिति है उसके आधार के ऊपर ये निर्धारित कर लें कि कितनी सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है। ऐसे में जो बीजेपी की तरफ से महज 6 सीटें देने की बात यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक तुरुप टाइप का खेला है, क्योंकि एक तरफ जहाँ जमुई सीट से सांसद हैं वर्तमान में चिराग पासवान, उनको 5 सीटें दे दी गई हैं और पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया है, यानी कि जो 6 सीटें देने की बात कर रही थी वहां से भी एक सीट काट दी गई है। और ऐसे में चिराग पासवान को 5 सीटें देना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को यहाँ पर सत्ता में स्थापित करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ पशुपति पारस को कड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो सहमति बनी उसमें मुकेश सहनी और पशुपति पारस दोनों को जगह नहीं मिलती है, दोनों बगावती बयान भी देते हैं, एनडीए गठबंधन से दूर हो जाते हैं, और ऐसे में जो तमाम सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इसके आधार पर अब ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। 2019 में जिस भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, डोमिनेट किया था इस पूरे चुनाव में, लेकिन वो परिस्थितियां इस वक्त जो है भिन्न नजर आ रही है। यहाँ पर पशुपति पारस की बात कर ले तो खुलकर यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और ऐसे में आने वाला वक्त यहाँ से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए चुनौती भरा